दोस्तों राजस्थान, यूं तो राजस्थान कई पराक्रमी शूरवीर योद्धाओं के लिए जाना जाता है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले, उनमें से एक महाराणा राजा प्रताप सिंह और महाराणा राजा प्रताप सिंह के चेतक घोड़े के बारे में, जिन्होंने हल्दी घाटी का नाला जो है 22 फुट का नाला, एक टांग फ्रैक्चर होने के बावजूद भी तीन टांग के ऊपर महाराणा प्रताप को इस नाले के ऊपर से छलांग लगाकर जो है राज महाराणा प्रताप सिंह की जान बचाई थी, आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो छतरी देख रहे हैं आप, ये उस चेतक घोड़े की छतरी है जिन्होंने महाराणा प्रताप को से पहुँचाने के बाद अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद महाराणा प्रताप जी ने और उनके साथियों ने चेतक घोड़े की जो है यहाँ पे समाधि बनाई थी, आज भी इतिहास में और चेतक घोड़े का नाम लिया जाता है। ये जो देख रहे हैं दोस्तों आप, अरावली पहाड़ियों के बीच में दोस्तों, 18 जून 1574 का वो दिन, भयंकर गांव बादलों के गड़गड़ाहट के बीच बारिश हुई थी और 7 घंटे तक हल्दी घाटी का युद्ध चला था। हल्दी घाटी का युद्ध खत्म होने के बाद मानो धरती ठहर सी गई थी। आज भी हल्दी घाटी का युद्ध भारत में और दुनिया में चर्चित माना जाता है, सबसे भयंकर और खतरनाक युद्ध में से एक माना जाता है। ये जो देख रहे हैं आप, अरावली पहाड़ी के इसी बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच में। तो कहा जाता है कि महाराणा प्रताप सिंह युद्ध जीत कर भी हार गए थे, क्योंकि उसमें उनकी दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मुग़ल सल्तनत अपने चरम पर थी और वो हर जगह के प्रांतों को हासिल करने की फिराक में थी। उसके बाद जो है दोस्तों, गुजरात को हासिल करने के बाद मेवाड़ में अपनी परचम बुलंद करने के लिए मुग़ल सल्तनत महाराणा प्रताप जी को पत्र लिखने लगी थी, लेकिन किसी भी हालत में महाराणा प्रताप जी ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। उसके बाद जो है दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह और अकबर का भयंकर हल्दी घाटी में युद्ध हो गया और भयंकर हल्दी घाटी में युद्ध होने के बाद 4 घंटे के भीतर ही महाराणा प्रताप सिंह ने मुग़ल सल्तनत के 3/3 जो है दोस्तों मुग़ल सल्तनत के सेनाओं को परास्त कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो है दोस्तों, पीछे से अकबर ने कई और सेनाओं को वहाँ पे बुला दिया। उसके बाद महाराणा प्रताप सिंह जी को चारों तरफ से घेर लिया गया। महाराणा प्रताप सिंह जी को टोटल 7 घाव लगे थे, 3 तीर के, 3 तलवारों के और 1 बंदूक का। उसके बाद जो दोस्तों, उनके साथियों ने उनको मैदान से बाहर निकलने के कोशिश की, उनको बाहर निकलवाया ताकि उनकी जान बचाई जा सके, क्योंकि वो महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ के एकमेव शूरवीर राजा थे जिन्होंने अपने घुटने टेकने से मना कर दिया था।